एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है और वो ये कि इजराइल पर हमास ने चारों तरफ से हमला कर दिया है। करीब 5,000 रॉकेट दागकर हमास ने युद्ध का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही हमास ने रॉकेटों के बीच से चारों तरफ से इजराइल को घेर लिया और अपने सैनिकों के साथ इजराइल में घुसने की कोशिश की। दोस्तों, इजराइल के पास वैसे तो आयरन डोम नाम का एक डिफेंस सिस्टम है जिससे वो किसी भी मिसाइल को हवा में ही ख़त्म कर देता है, लेकिन जब आप 5,000 मिसाइल 20 मिनट के अंदर दागोगे तो कोई भी डिफेंस सिस्टम फेल कर जाएगा। और ऐसा ही हुआ इजराइल के साथ। इजराइल इस बात से, उसको पता भी नहीं था, उसको भनक तक नहीं लगी कि इतनी बड़ी तैयारी हो रही है और 5,000 मिसाइल एक साथ दाग दिया। इसके साथ ही इजराइल के 30 से ज़्यादा नागरिक मारे गए और हमास के सैनिकों ने इजराइल के कई सारे सैनिकों को बंदी बना लिया और उनको टॉर्चर किया। उनके वीडियो भी आप देख सकते हो। उनके घरों को आग लगा दी। निश्चित रूप से इजराइल ये बर्दाश्त नहीं करेगा। उम्मीद है कि इजराइल एक बहुत बड़ी ऑपरेशन लॉन्च करे और गाजा पट्टी का जितना भी हिस्सा है वो भी ले ले। आप इस वीडियो को देखो और समझ सकते हो कि कितनी बड़ी त्रासदी इजराइल में आई हुई है। मैं किसी भी युद्ध के खिलाफ हूं, लेकिन बचाव खुद का तो करना ही पड़ता है। الله يحميكم يا شباب، الله يحميكم، الله يحميكم يا شباب. आप इस वीडियो में भीषण तबाही की तस्वीरें देख सकते हो। चारों तरफ आग लगी हुई है और इजराइल में कोहराम छाया हुआ है। निश्चित रूप से इजराइल इसका बदला लेगा, लेकिन वो बदला कैसा होगा ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, युद्ध स्टार्ट करना, युद्ध शुरू करना बड़ा ही आसान लगता है, लेकिन इसे समाप्त कभी नहीं किया जा सकता। इसकी समाप्ति में कभी किसी की विजय नहीं होती, दोनों ओर से हमेशा हार ही होती है। लेकिन फिर भी आज तक हम इस बात को समझ नहीं सके, ये बड़ी हमारी भूल ही होगी। खैर, उम्मीद है कि ये सब जल्द ही ख़त्म हो जाएगा और दुनिया में शांति कायम होगी। मैं तो बस इसी की दुआ कर सकता हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।